सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। मैं हूं आपकी होस्ट शुदा सैफी और मैं हूं मोहम्मद यासर। और हमारा आपका साथ मिलता है सो मंडे टू फ्राइडे। आज आपके सामने मौजूद है बहुत सारी खबरों, तबसरों और बेबाक तर्जियों के साथ। जी बिल्कुल जी, खबरें भी होती हैं, इसके अलावा आपसे भी प्रोग्राम में बात होती है। कल के हवाले से कुछ गुजारिशात हैं, बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की। एक प्रोग्राम में बड़ा मुश्किल होता है सारी कॉल्स को इंटरटेन करना, सारी कॉल्स को शामिल करना, तो बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से शिकायत की कि उनकी कॉल को जो है प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर शामिल करेंगे। और हमेशा ये बात कहते हैं कि आपकी शिकायत को हम नोट कर लेते हैं और मुतालिका हुकाम तक पहुँचाते रहते हैं। बिल्कुल जी, और ख़बरों का आगाज़ करें। जी बिल्कुल, खबरों का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की अहम खबर, अफसोसनाक खबर। सुबह के वक्त तेजगाम एक्सप्रेस में आतिशजदगी, 10 अफराद जाँ बहक। मुतासरा ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी, ट्रेन में मुसाफरों के नाश्ता बनाने की वजह से आग भड़क उठी। वजीर रेलवे शेख रशीद साहब बता रहे हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, सुबह के वक्त जो आई है कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन में तेजगाम में। फुटेजेस भी जी, देख सकते आपके हैं। सामने बिल्कुल बिल्कुल जी, आगे बढ़े। आपको बताएं, कराची वाले हो जाएं होशियार, तैयार। क्यार के टलने के बाद एक और समुद्री तूफान की तैयारियां, वार्निंग जारी कर दी गई है। बिल्कुल जी, आज़ादी मार्च की आमद के पेश नज़र इस्लामाबाद इंतजामिया ने फौज बुला ली। इस्लामाबाद में ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। आगे बताएं आपको, JUIF का आज़ादी मार्च लाहौर से पिंडी की तरफ रवा दवा। मौजूदा हुक्मरानों को हुकूमत करने का कोई हक नहीं, एहतसाब के नाम पर सियासतदानों के खिलाफ ड्रामे मजीद नहीं चलेंगे। हमारे इस्लामाबाद पहुँचने से पहले हुक्मरान इस्तीफा दें, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं। बिल्कुल जी, इस्तीफे की डिमांड सामने आ गई है। जमीयत उलमा इस्लाम JUIF के आज़ादी मार्च के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तालीमी इदारे आज बंद रखने का फैसला किया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर में जमीयत उलमा इस्लाम के आज़ादी मार्च के स्टेज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन मौजूद, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गायब। बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मार्च है, मुकाबला किया जाए। अपोजिशन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई होगी, वज़ीर आज़म का इंतबाह। आपको बताएं, अपोजिशन को एतराज हुआ तो नैब कानून में तरमीम ऑर्डिनेंस की सूरत में ले आएंगे, फरोग नसीम कहते हैं। वजीर आजम का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफरों पर तशद्दुद का नोटिस, कार्रवाई की हिदायत। एयरपोर्ट के मैनेजर ताहिर सिकंदर, ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर जहीर और मलिक अकरम को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया गया है। जिन्होंने किया था उनका मुझे याद यहाँ नाम नजर नहीं आ रहा है कि उन हुक्काम को किसी को मुअत्तल किया हो, उनका नाम नहीं है इसमें। आपको देखा होगा कि कुर्सी उठा के फेंक रहा था वो बंदा सब सामने। वेल, ये होता है जी, करे कोई और भरे कोई इस हुकूमत में और इस नए पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट का दहशतगर्दी की तारीफ से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी, मजहबी नज़रियाती सियासी मकासद के हुसूल के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाई दहशतगर्दी है। पाकिस्तान में 1974 से दहशतगर्दी के कवानीन बनाए गए और ऐसी शक्ें शामिल की गईं जिनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। जी बिल्कुल, जिसकी इंटरप्रिटेशन हुई है इसके ऊपर आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। चौधरी शुगर मिल्स केस, खातून होने की बुनियाद पर मरियम नवाज़ की जमानत होनी चाहिए। वकील, नैब ने सबूतों की अदम दस्याबी के बावजूद मरियम नवाज़ के खिलाफ करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाया। एडवोकेट अमजद परवेज़ का अदालत में मौकफ। आपको आगे बताएं, बल्दियाज़मा कराची दिवालिया इदारा बदउनवान अफसरान को मुबैन तौर पर ठेके पर दे दिया गया। मुल्क के सबसे बड़े बल्दियाती इदारे के MC के मुलाज़मीन गुज़श्ता 3 साल से तनख्वाहों में इजाफे और मराद के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल जी, मसूड़ों से खून का रसाव, नवाज़ शरीफ का फिर मुआयना। मेडिकल बोर्ड नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स में कमी की वजूहत जानने में ताहाल नाकाम है। अल्लाह अकबर। आगे मैंने आपको बताया, पीपल्स पार्टी का तबी बुनियाद पर आसिफ जरदारी की रिहाई का मुतालबा, पूरा मुल्क इस हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं, आसिफ जरदारी के प्लेटलेट्स की तादाद में बेहतरी आ रही है, तमाम हाथों में रेशे के बायस कपकपाहट में नुमाया इजाफा हो गया है, पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का कहना है। TV चैनल्स बेबुनियाद वजूहत पर अदिया को बदनाम न करें, पैमरा
पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए लाइसेंस याफ्ता टीवी चैनल्स को एहतसाब अदालत के अहकाम पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। बिल्कुल जी, अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फिरदौस आशिक अवान को तौहीन अदालत का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के तहत नोटिस जारी करते हुए मामले खुसूसी बराए इत्तला को तलब कर लिया। आज कर लिया तलब जी। भी बता दें कराची में औरंगी टाउन पुलिस ने तालबा बच्ची की सरजनिश करने पर खातून टीचर को गिरफ्तार करके असलहे के जोर पर कत्ल की धमकी का मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही इसाजा का लियाकताबाद थाने के बाहर एहतजाज। बहुत अच्छा जी। चेयरमैन नैब का कायम मकाम सदर ज़रई तरक्याती बैंक के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। खुश में आ गए वैसे ये फालिश के अटैक के बाद। एनीवेज आगे बढ़े, आपको बताएं कि डीएन इंजीनियर एसबीसी अफसरान की गैर कानूनी काम मुलव्वस होने का इंकशाफ। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ईस्ट ने हैरत अंगेज हकायक से पर्दा उठा दिया। बिलावल भुट्टो वेलफेयर स्कीम के खिलाफ काम करने वाला अफसर ओहदे से बरतरफ। फारूक बुक्टी को लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने पर हटाया गया। पाकिस्तान का बड़ा मसला करप्शन या महंगाई। गैल्प सर्वे के दिलचस्प नतायज। पाकिस्तानियों की अक्सरियत का करप्शन नहीं बल्कि महंगाई को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया गया। बिल्कुल जी, गैल्प का ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है, इसके ऊपर आज जरूर बात करेंगे। इस्लामाबाद से खबर है, वफाकी हुकूमत ने सिंध बलूचिस्तान और के पी को 6.5 लाख टन गंदम फराहमी की हिदायत कर दी। इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में वजारत दाखिला के लिए 10 करोड़ रुपये टेक्निकल ग्रांट की मंजूरी भी दी गई। ओगरा की बात करते हैं कुछ। ओगरा की पेट्रोल की कीमत में इजाफे की फिर सिफारिश। ओगरा का दिमाग ही बिल्कुल जो है ना आउट होता जा रहा है। डिवीजन को अरसाल कर दिया जी। बिल्कुल जी, समरी भी अरसाल हो गई है और हुकूमत की तरफ से जो है वो कीमतों में तब्दीली ना करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। ताजरों से मुआहदा, शनाख्ती कार्ड की शर्त 3 माह के लिए मुअख्खर। ताजरों का हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। ताजरों ने मुल्क भर में छोटे बड़े तजारती मराकज़ बंद रखने तक और मुतालबात मंजूर ना होने पर एहतजाज जारी रखने का इंदिया दिया था। शनाख्ती कार्ड की शर्त ताजरों तक सही तरह नहीं समझाई गई, स्टेट बैंक कह रहे हैं। पंजाब में ख़तरनाक फ़जाई आलूदगी पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का इजहार तशवीश। लाहौर में फ़जाई आलूदगी का इंडेक्स 484 पर पहुँच गया जो इंसानी सेहत और ज़िंदगी के लिए इंतहाई मोहलक है। इंसानी हकूक की तंजीम खैर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने भी आ गए हैं जी। ठीक है, बिल्कुल जी, तादाद 59 हो गई है। ज़िला टांग में 14 माह में, लकी मरवत में 9 माह के बच्चे में पोलियो से मुतासर हुए। दोनों बच्चों को हिफाजती खतरे नहीं पिलाए गए थे, EOC की रिपोर्ट है जी। पाकिस्तान को गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन पर यादगारी सिक्का जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी फेसबुक अकाउंट पर यादगारी सिक्के की तस्वीर भी शेयर कर दी गई है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान और क्यूबा में सरकारी सिफारती पासपोर्ट पर वीज़ा की ज़रूरत ख़त्म करने का माहिदा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से क्यूबा के नायब सदर ने वफ्द के हमरा मुलाकात की और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल भी किया जी। बिल्कुल, और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे आज, और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे जी, और आपसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी, आज के इस ब्यूटीफुल से वार्डरोब की बात करते हैं। आज का वार्डरोब हमें स्पॉन्सर किया है जी oneway.pk ने। एंड अगेन यू कैन सी जी के साइड से मैं अगर दिखाऊं तो इस पर प्रिंट हुआ हुआ है नेम, तो कस्टमाइज एक्चुअली उन्होंने शर्ट अगेन बना के भेजी है। दोनों स्लीव्स पर जी नाम जो है वो रिदा सैफी लिखा लेकर भेजा है। एंड पिंक कलर इज़ ऑलवेज माई फेवरेट कलर। मुझे लगता है हमारे साइड डिज़ाइनर्स आज से पिंक पे ही काम कर रहे हैं। जो देखो वो पिंक भेजा है, पिंक, वाइट पिंक, ब्लैक पिंक, येलो पिंक, ब्लू पिंक, पिंक पिंक हुआ हुआ है आजकल। खैर जी, पिंक इज़ इन द एयर एंड आई थिंक पिंक इज़ द फेस्टिव कलर दिस डेज, इज़ द सीजनल कलर तो जी, या फिर कलर ऑफ द ईयर भी कह सकते हैं मेरे ख्याल से। तो पिंक हर तरफ छाया हुआ है एंड एवरी डिज़ाइनर इज़ ऑलमोस्ट वर्किंग ऑन पिंक कलर बेसिकली। तो जी थैंक यू सो वेरी मच oneway.pk। इनकी इंस्टाग्राम पे जी ऑनलाइन स्टोर है और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी इनका पेज है, यू कैन डेफिनेटली विजिट इट। और अगर आप चाहते हैं कि कस्टमाइज प्रोडक्ट्स मंगाना तो इनसे भी मंगा सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच oneway.pk फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल टी। बिल्कुल जी, इसी के साथ ब्रेक की तरफ जा रहा है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, खबरें भी शेयर करेंगे और साथ में आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो आप देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग क्लास से।
پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے اور پروگرام کے آغاز میں بات ہو رہی تھی خبروں کے حوالے سے, خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی, اس کی تفصیلات بھی شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جی بالکل جی, اور کل کے اور پرسوں کا پروگرام اور زبردست آپ لوگوں کے لیے تھے جی. ایک دن انفارمیشن منسٹر کو بلایا تھا ہم نے, ان سے گفتگو کر رہے تھے, کل ہم اسد اللہ صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, اور آج ہماری کوشش رہے کہ آج آپ کو بھی موقع دیا جائے, آپ سے بھی بات کی جائے. اور کل بھی ہم نے کہا یہی تھا, گزارش یہی کی تھی کہ بھائی آپ جلدی جلدی کالز کر لیں. آپ لوگ کرتے کیا ہیں کہ آپ لوگ شروع میں جب آپ کو کہو تو آپ لوگ کالز نہیں کر رہے ہوتے, اینڈ میں جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے جب 100 کالیں کر رہے ہوتے ہیں. دس دفعہ آپ کو بتایا کہ بھائی آپ شروع میں ہی کالز کر لیا کریں, کیونکہ آخر جب سیگمنٹ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ایوری بڈی وانٹس ٹو پارٹیسپیٹ, اور اس چکر میں جی بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں تو پھر بات بھی نہیں ہو پاتی ہے. اور جو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بھائی آپ لوگ اوور آل بات نہ کریں, ٹھیک ہے پانی نہیں آ رہا, سیوریج کے مسائل ہیں, سو مینی تھنگس, لیکن آپ پرٹیکولر ایڈریس کے ساتھ مسئلہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں, وہاں پہ وہ مسئلہ آپ کو حل ملے گا, یا اس کو پھر اس کے اوپر جو بھی ہے فالو اپ کیا جائے گا یا اس کو دیکھا جائے گا. لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ایکچولی آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ جنرل بات کر رہے تھے, آپ اپنا غصہ ظاہر کر رہے تھے, ٹھیک ہے آپ کا غصہ وجہ ہے, پانی کا بہت شارٹ فال ہے, جیسے کہ کل انہوں نے بتایا کہ 500 ایم جی ڈی واٹر اس وقت دیا جا رہا ہے شہر میں, جبکہ 1200 ایم جی ڈی واٹر کی نیڈ ہے, تو دیر از اے شارٹ فال آف 700 ایم جی ڈی. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ اس کے حوالے سے جو آپ کا کنسرن ہے, جو آپ کا ایشو ہے, جو آپ کے اپنے گھر کا ایشو ہے, آپ وہ بتائیں, جو آپ کے اپنے ایریا کا ایشو ہے جو ایگزیکٹلی پرٹیکولرلی وہ بتائیں, وہ زیادہ بہتر تھا اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور یہی ہماری کوشش بھی تھی اور آپ سے بار بار یہ گزارش تھی کہ صرف مسائل کے حوالے سے بات کیجیے. آپ سے بات ہوتی رہتی ہے پروگرام کے اندر, آپ تفصیل سے ہمیشہ بات کرتے ہیں, پورا موقع دیا جاتا ہے. جو بھی آپ نے خبروں کے اوپر اپنی رائے دینی ہوتی ہے, کچھ تبصرہ کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے. لیکن جب خاص مہمان یہاں پر مدعو کیے جاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شکایت ان تک پہنچائی جائے, اور بہت سارے لوگ بعد میں یہ شکایت کر رہے تھے کہ ان کی کالز کو شامل نہیں کیا گیا. تو اس لیے بار بار گزارش یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس پہ کہ آپ ان پہ تنقید کریں, ان کے لیے کچھ بھلا برا کہیں, وہ آپ کہا کہ آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل ہم نے آپ کو یہ بالکل اتنی آزادی دی ہوئی ہے, یہ آپ کے پاس اسپیس ہے کہ آپ اس طرح بات کر سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ ایسے مواقع پر صرف اپنی شکایت کے بارے میں بتا دیجیے, کیونکہ وہ جب یہاں پر ہمارے ساتھ ایم ڈی صاحب موجود تھے وہ شکایت نوٹ کرتے جا رہے تھے, اور اس کے بعد پروگرام ختم ہونے کے بعد انہوں نے تمام کی ڈیٹیل بھی معلوم کی, متعلقہ لوگوں کو کالز بھی کی یہیں سے, اور اس کے اوپر فوری ایکشن بھی لیا. اب بہت سارے لوگ اس سے محروم رہ گئے, تو اس لیے گزارش یہ ہوتی ہے, بار بار دہرایا جاتا ہے کہ تھوڑی سی مختصر بات جو ہے وہ کی جائے. اب سلسلہ جاری ہے, خبریں اور بھی ہیں. آج صبح کی جو افسوسناک خبر ہے جو ابھی آپ ہمارے چینل پہ دیکھ بھی رہے ہیں, اس وقت جو وہ تیز گام کے اندر دو آتش زدگی کا واقعہ ہوا ہے, اس کی وجوہات سامنے آ رہی ہیں. جناب تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شرکت کے لیے لوگ جا رہے تھے اور صبح کا وقت تھا, ناشتہ کی میرے خیال میں تیاری ہو رہی تھی. اور سیوک سینس کا جو ایشو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں, ہم تین سال ہو گئے اس پروگرام کو, اور ہم بلکہ اب 4 ہونے والے ان ٹائم, اب ہم اپنی 4th اینیورسری اس کمنگ منتھس میں اپنی بنائیں گے اس پروگرام کی. تو ہم آپ سے 4 سے گزارش کر رہے ہیں, اینڈ بہت آپ سارے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی سیوک سینس ڈیولپ کریں, اپنا پڑھا لکھا دماغ کھولیں, جہالت سے اور جو ہے نا بالکل بے وقوفی کے حرکتوں سے باہر نکلیں. اب دیکھیں آج صبح یہ واقعہ ہوا ہے, اس میں لوگ ناشتہ بنا رہے تھے, سلینڈر گاڈ بلاسٹ. تو آپ کو نے کوئی نہ کوئی کوتاہی تو برتی ہوگی, کوئی نہ کوئی لاپرواہی تو کسی نہ کسی کی طرف سے برتی گئی ہوگی, جس کی وجہ سے پھر اتنا بڑا جو ہے وہ حادثہ پیش آیا. تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جی آپ اس طرح کا جب آپ سفر میں ہوتے ہیں, حادثہ پہ ٹرین میں, جہاز میں, اور کیا کہتے ہیں گاڑی میں ایون, ان فیکٹ تو یہ چیزیں جو ہیں آگ پکڑتی ہیں, کیونکہ ان کا سسٹم ایسا ہے, ان کو بنایا گیا اس طرح سے, اس میں تیل بھی ہوتا ہے, اس میں بیٹری بھی ہوتی ہے, اس میں وائرنگ بھی ہوتی ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی چیز شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتی ہے, بلاسٹ ہو سکتی ہے. جہاز میں بھی ایونچولی آپ کو پتا ہے لوگ نہیں فالو کرتے, میں نے دیکھا ہے بہت ہی مطلب عجیب سی سچویشن ہے کہ جو آپ کو اگر انسٹرکشن دی جا رہی ہیں تو وہ کوئی اس لیے نہیں دی جا رہی ہیں کہ وہ جو ہے آپ کو پریشان کرے, آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے دی جا رہی ہے, لیکن لوگ ایک کان سے سن رہے ہوتے دوسرے سے نکال رہے ہوتے. جہاز میں نے دیکھا ہے لوگ اپنا فون موبائل فون جو ہے وہ سوئچ آف نہیں کرتے, یا وہ فلائٹ موڈ پہ نہیں کرتے, آپ کو پتہ نہیں ہے
जो उसकी रेडिएशंस हैं या जो उसकी रेज हैं और जो उसमें बैटरी है, जो उसका सिस्टम है, वो कोलैप्स कर सकता है, एयरप्लेन के सिस्टम को फेल कर सकता है. इतना तो खतरनाक होता है. और जैसे ही आप जो है वो फ्लाई करते हैं तो वो फट भी सकता है और उससे भी कोई खतरनाक हादसा हो सकता है. लेकिन लोगों को इस बात का सेंस नहीं है. बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये हमारे यहाँ कल्चर नहीं है. एक तो हमारे मिजाज में शामिल हो चुका है कि अगर कोई काम हमें बताया जाता है, अगर किसी चीज़ का पाबंद किया जाता है, तो उस पाबंदी के खिलाफ काम करना हम ये समझते हैं कि हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या हम उसको खातिर में नहीं लाते. जैसे अभी रिदा ने बताया कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ी नुकसानदेह और सबके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद इन तमाम चीज़ों पर अमल नहीं करते. ये हमारे शायद पूरे कौम के मिजाज के अंदर ये चीज़ शामिल हो चुकी है. अब कौम के मिजाज में ये कि सुबह सवेरे उठना है, वही पराठे बनेंगे, वही एहतमाम के साथ नाश्ता होगा. जब सफ़र में होते हैं तो खुदा का वास्ता इस चीज़ को मेक श्योर किया करें कि खाने पीने की कोई ऐसी चीज़ रख लें जिसको आपको पकाना ना पड़े. रेडीमेड फूड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं. सफ़र के वक्त एहतियात करें और उसके बाद आप अपनी जहां डेस्टिनेशन पे जाएं वहां आप खुल कर कुकिंग भी करें, सब कुछ करें, आपको इख्तियार है. तो हमारे ये जो भाई जो तबलीगी जमात में जा रहे थे, उनसे गुजारिश ये कि आगे भी जब आप इस तरह की ट्रैवल करें तो मेक श्योर करें कि चूल्हे वगैरह ये चीज़ अगर आपको मजबूरन कैरी करनी पड़ भी रही है तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर हैं, उसको इख्तियार किया जाए. दौरान सफर अपने साथ ना रखें और कम से कम इतना कर लें कि अपने कंपार्टमेंट के अंदर रखकर उसको जलाने की कोशिश ना करें. अगर उसको बिना जलाए कैरी कर लें और दूसरी जगह जाकर इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा. अब ये होगा आने वाले वक्त में, बल्कि अब ये होना चाहिए कि आप इस तरह के सिलेंडर्स, माचिस, लाइटर और इस तरह के जितने भी फ्लेमेबल आइटम्स होते हैं जिसमें बॉडी स्प्रेज होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिसके अंदर जो है वो ज़्यादा जलने का खदशा होता है, उन सब के ऊपर पाबंदी लगाएं. अब ये नागुजीर हो गया क्योंकि इतना बड़ा जानी नुकसान हो गया और इतना बड़ा हादसा हो गया, तो खुदा इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आपको पता है कि परफ्यूम भी अलाउ नहीं होता है. आपके बैग में, हैंड बैग में आपको परफ्यूम अलाउ नहीं करते, नेल कटर अलाउ नहीं करते, सीजर अलाउ नहीं करते और ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं करते. और वो इसीलिए होती हैं, लोग बहुत गालियाँ दे रहे होते हैं, ट्विटर चला रहे होते हैं. मैंने देखा है एट टाइम्स एयरपोर्ट पे बहुत बदतमीजी भी हो रही होती है. कुछ लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, किसी की कोई जेन्युइन इशू है तो समझ में आता है प्रॉब्लम है. लेकिन कुछ लोग जो बदतमीजी कर रहे होते हैं और ये हमें सिखाएंगे, वो भाई सिखा रहे हैं, उसकी वजह है. आज देखिए कि इतने लोग यहाँ पर जाने चली गई, कितने लोगों के अभी सुबह के इस हादसे में, इस वाक़े में, इस अंधोनाक सिचुएशन में बेचारे लोग जान से चले गए. आप खुद तो गए होंगे और लोगों को भी ले डूबे. पूरी आग लग गई है, पूरी ट्रेन में आग लग गई. देखिए आतिशबाजी, देखिए सूरत हाल, देखिए 3 बोगियां मुकम्मल तबाह हैं. तो यानी कितने लोग मर गए होंगे. अल्लाह अकबर, मेरे तो समझ से बाल तर है. और सोचे लोग सो रहे होंगे. अच्छा, निकलने के लिए भी आप ये देखिए ज्यादा इसमें नुकसान हुआ होगा, डैमेज हुआ होगा, क्योंकि लोग कैसे निकलेंगे. लोग आधे तो नींद में होंगे बिल्कुल, क्योंकि सुबह का वक्त था. आधे लोग सो रहे होंगे ट्रेन में, सफर में लोग सो जाते हैं थक के. तो सोचे इतनी सी किसी की लापरवाही और उसकी जो है वो पूरा, जिसे कहते हैं ना, मतलब अल्लाह अकबर मैं क्या बोलूँ, उसकी सजा सबको मिली होगी इस वक्त. और उसमें बच्चे होंगे, उसमें खवातीन होंगे, बूढ़े होंगे. This is very unfortunate. एक कॉलर को ले लें, फिर इस पे मज़ीद बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यूसुफ कराची से. वालेकुम अस्सलाम जी यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं. आपको बहुत दुआएं कि आप लोग फौरी करंट अफेयर को लेके और जो भी मौजू होता है उनको अहमियत लेते. 2-3 दिन पहले मैंने समंदरी तूफान का बताया था. जी जी. देखे, इन्होंने पेशन गोई की थी. मैंने उस वक्त भी कहा था ये बाद में बदल जाएंगे और अभी भी ये कह रहे हैं कि रुख बदल गया, रुख बदल गया. और हर जगह खाई गया इलाके में पानी आ रहा. इसी तरह मैं ये ट्रेन के हादसे के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि ये आग लग ही नहीं सकती इस तरह, क्योंकि हर डब्बे में एक्सटेंशन होते. और अगर एक सिलेंडर जलेगा और उसमें आग लगेगी तो वो लाजमी बात है कि बुझाने की कोशिश होगी. 3 बोगियां में आग लगी नहीं सकती. तीसरी बात ये है कि जो अमला होता है ट्रेन में, उनका एक कमरा होता है, वो खाना वहीं पकाते हैं, वहीं ले जाते हैं. अगर आपने देखना है तो जाके स्टेशन पे जाके ट्रेन में देखे. ये आग जो लगी, अपना इल्जाम दूसरों पे डाल रहे हैं, लोगों पे डाल रहे हैं. और अगर लोगों पे भी डाल रहे तो लोगों की क्यों नहीं तलाशी ली गई, क्यों नहीं जाने दिया गया? क्या अब इनका जमीर
हमारे वजीर साहब का अभी भी चुप रहा है या नहीं चुप रहा है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है यूसुफ साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर कंपार्टमेंट के अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये तेज़गाम वगैरह और जिस तरह की दूसरी ट्रेन जो चलती हैं, शायद इसके अंदर ये सहूलत ना हो जो कि होनी चाहिए। एक बात आपकी, इस बात से इतफाक़ किया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ एक तो तरबियत का फुकदान है। आप किसी भी मॉल्स में जाके देखें, फायर अलार्म लगे होते हैं, सब कुछ लगे हुए होते हैं, सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, लेकिन आगही नहीं है। खुदा रहा इस चीज़ को समझिए, ना हमारे लोगों को पता है, ना जो वहाँ पर ज़िम्मेदार मुतालिका लोग होते हैं वो लोगों को बताते हैं कि अगर किसी मॉल के अंदर, किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर अगर आतिशबाजी हो जाए तो वहाँ से बाहर कैसे निकलना है। और वो भगदड़ जब होती है तो उसके बाद फिर बहुत नुकसानात होते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, लोगों को नहीं पता कि इसके साथ ऐसी सूरत हाल में किस तरह जो है वो रिएक्ट करना होता है, तो नुकसानात बढ़ जाते हैं। आपने कहा कि आग लगते हैं मखसूस कंपार्टमेंट, कुछ मखसूस बोगियाँ होती हैं उसके अंदर ये सहूलत होती है खाना पकाने की, लेकिन वो इस चीज़ को हमेशा मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पर सेफ्टी के तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार किया जाए और उसके बाद खाना पकाया जाए, क्योंकि उनका तो ये 24/7 काम यही होता है। 7 दिन उनको यही करना होता है, दौरान सफ़र लोगों को खाना मुहैया करना होता है, तो वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की जाती हैं। और एक मखसूस हिस्सा होता है जहाँ से अगर खुदा ना करे इस तरह की सूरत हाल हो तो वहाँ से फौरन से आग बुझाई जा सकती है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगही ना होने की वजह से, शऊर ना होने की वजह से आपने कहा दूसरों के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल देते हैं, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। हम इस बात से बिल्कुल इनकारी नहीं है कि हमेशा अमले की गफलत की वजह से इस तरह के वाक़ियात होते हैं, लेकिन हमारी अपनी भी कुछ ज़िम्मेदारी है जिसका भी हम तस्करा कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी क्यों पूरी नहीं कर रहे। अगर वहाँ पर फायर सिलेंडर मौजूद था और कुछ लोगों ने अगर ये कोशिश की है तो ये कोशिश की क्यों गई है, इस हवाले से बात हो रही है। आगे से आपने एहतियात रखनी है। बहरहाल जी, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात करें? वालेकुम अस्सलाम, बोल रहा हूं भाई। जी फरमाइए। आज का दिन बड़ा अफसोस का दिन है। बिल्कुल है। रबी अव्वल का महीना, ऐसा मुकद्दस महीना, जी आज ये हादसा हो गया। जी बहुत बहुत दुख है, इस दुख को आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुकद्दस ये कुछ गलतियां हमारी होती है जो हमने एहतियात नहीं कर सकते। अगर ये सिलेंडर वहां नहीं पहुंचता तो ये हादसा नहीं होता। बिल्कुल सही। क्या कर सकते लोगों को, अल्लाह अकबर बोलते कि यार मुसलम को तू जिंदा तमन्ना दे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया निज़ार साहब, आपने प्रोग्राम में कॉल की और लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। गम की इस वक्त कैफियत है, सूरत हाल है, लोग इसी हवाले से बात भी कर रहे हैं। यकीनन बड़ा दिल खराश और बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है, एक इंसानी गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। और जैसे अभी इससे पहले कॉलर यूसुफ साहब फरमा रहे थे कि वज़ीर रेलवे साहब, बिल्कुल जी, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है और इस बारे में तहकीकात होनी चाहिए कि गलती किसकी थी और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि इससे पहले नहीं हुआ। ये 90 के करीब ऐसे वाक़ात इस साल हो चुके हैं रेलवे के हवाले से, लेकिन वज़ीर मौसूफ का इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं उन्होंने लिया। और साथ में जैसे भी कॉलर हमारे फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने ये बात कही कि वो कहते हैं कि मेरा ज़मीर अभी तक मलामत नहीं कर रहा, तो शायद इस वाक़े के बाद ज़मीर उनका मलामत करना शुरू कर ही दे। और वाक़ेतन अगर ऐसा हो जाए तो इसके ऊपर ज़रूर जो है कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से किसी की भी गलती हो, चाहे इंसानी गलती की वजह से हो या किसी भी गलती की वजह से, इस तरह का अफसोसनाक वाकया तुम्हारे से। जी, और मैं फिर कहूँगी कि आप लोग को अपना भी सिविक सेंस की बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। और फिर मैं दोबारा से कहना इसलिए जाऊँगी, वो बात उनकी ठीक है, क्या कहते हैं यूसुफ साहब की, कि वो इंतज़ामिया की भी गफलत हो, इंतज़ामिया की भी कोई ना कोई लापरवाही या गफलत हो सकती है और उनकी भी गलती हो सकती है। लेकिन देखें, ये चीज़ें जो इस तक नज़र आ रही होती हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर सिलेंडर का इस्तेमाल भी हो रहा था तो क्यों क्यों हुआ, क्या हुआ, किसने करने दिया, किस तरह करने दिया, क्योंकि सिलेंडर का इस्तेमाल उसूलन तो होना नहीं चाहिए। ये बात इसमें भी कोई दोराय नहीं है। तो ये सारी सिनेरियोस तो हैं। बहरहाल से बात करते हैं, एक और कॉलर है, उनको भी शामिल। अच्छा चलें ठीक है, कॉलर ड्रॉप हो गए हैं। तो ये सूरत आल से मैं हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंटर्स, इसी पे एक तो ये कि इस तरह के आप चीज़ें लेके ना जाएं जो जिनसे आग लग सकती है या कोई ऐसी चीज़ें जो कि ख़तरनाक हैं। दूसरा ये कि जहाज़ में भी, मैंने तो ये तो अभी इसकी बात करें, जहाज़ में भी लोग स्मोकिंग करने लग जाते हैं अचानक से और लाइटर वाइटर निकाल लेते हैं। ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं सफ़र में। मैं फिर आपको अर्ज़ करूँ कि जी तेल होता है गाड़ी में, वायरिंग्स हैं, बैटरी है, ऑलरेडी उसमें हैवी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो चाहे लाइटर आप ट्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं या जहाज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं या वेयरएवर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी सीन है, वो आपको शदीद नुकसान पहुँचा सकता है।
अगर कोई भी चीज़ ऐसी है कि आतिज़दगी हो जाती है और चीज़ें जो हैं इस तरह से हो जाती हैं, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. सो बहरहाल जी, बहुत अफसोसनाक वाकया है और अब तक हमें इतराद भी मौसूल हो रही हैं. और मैंने जैसे कहा कि सुबह का वक्त था और ऐसे ही जहाज़ में भी पता नहीं चलता आपको अचानक से, और ना इसमें ट्रेन में आपको पता चलता है. और अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, मज़ीद जो है लोगों को अपने ज़ुमान में रखे. और लेकिन आप लोग की अपनी छोटी सी जो है वो लापरवाही और गफलत जो है वो इस तरह का कोई भी बड़ा नुकसान कर सकती है. इवेंचुअली गाड़ी में भी यही कहा जाता है कि गाड़ी के भी तो एक दो वाक़ियात ऐसे हुए कि वो लाइटर से या किसी चीज़ से जो है वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई तो वो उसमें खोलने से. तो खुदा के लिए ख्याल रखें. बहुत ख़ासतौर पर बहुत तेज़ धूप जब होती है, जब आप गाड़ी में निकलते हैं तो अचानक से जो है वो फ़ौरन उसमें ना ट्रैवल करें, थोड़ा सा उसको छाँव में खड़ी करें. बार बार ये समझाया जाता है कि वो उसमें भी जो आग लगने का खदशा होता है क्योंकि गैसेस अंदर बन जाती हैं. चूँकि जो मिरर लगे हुए हैं, जो विंड स्क्रीन है और जो शीशे लगे हुए होते हैं, वो उनमें बहुत सारे केमिकल्स और गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से और मज़ीद अंदर जो है वो गैसेस फिलअप हो जाती हैं. तो वो भी आतिशजदगी की तरफ जा सकता है. खड़ी खड़ी गाड़ियाँ कितनी जली थी यहाँ फैसल पर भी आपने देखा था गर्मी के मौसम में. तो ये सारी चीज़ें जो कि आपकी सिविक सेंस है, जो कि शऊर का दरवाज़ा है, आपको अकल और सेंस होनी चाहिए जिसकी बिना पर आप जो है वो बेहतर तौर से जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं. बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा. और इसके साथ साथ एक चीज़ और जिसकी बड़ी यहाँ पर ज़रूरत है, और वो ये है कि आप जो है सबसे पहले इस चीज़ को मेक श्योर करें. अब किसको इसका ज़िम्मेदार ठहराएं, किसको कसूरवार ठहराएं, यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पर सिविक सेंस प्रिवेल नहीं करता, जिसकी वजह से होता है इस तरह के वाक़यात होते हैं. जैसा अभी खादिम ने अर्ज़ किया कि बहुत सारे ऐसे प्लाजास हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं जिसके अंदर फायर सिक्योरिटी के हवाले से काम होता है, फायर अलार्म भी मौजूद हैं, लेकिन बमुश्किल चंद एक लोग होंगे जो इस बारे में आगाह होंगे कि उनको किस तरह यूज़ करना है. और जब कभी ऐसे किसी बिल्डिंग में या किसी ऐसी जगह पर खुदा ना करे अगर अफसोसनाक वाकया हो या अगर आग लग जाए तो उससे किस तरह इवैक्यूएट करना है, बाहर किस तरह निकलना है, कौन से खारजी रास्ते होते हैं जो हंगामी हालात में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है. ना ही हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस हवाले से काम करें. बिल्कुल बरीउज़्ज़मा है, और कोई अफसोसनाक वाकया हो जाता है उसके बाद ही फिर सफाइयाँ पेश की जाती हैं और फिर तहकीकात होती हैं. आपको पता है तहकीकात का मतलब ये होता है कि उसको रद्दी की टोकरी की नज़र जो है वो कर देना, उन सारी तहकीकात वगैरह का. बहरहाल ये अफसोसनाक वाकया है. इसी हवाले से बात हो रही है आज सुबह के वक्त जो ये वाकया पेश आया है तेज़गाम के अंदर, 10 अफराद से ज़्यादा की अब तो तस्दीक हो चुकी है कि लोग जो है वो इसमें जहाँ भाग हो चुके हैं. कराची से लाहौर ये ट्रेन जो है वो जा रही थी. और बहरहाल जी, इस हवाले से आपको अपडेट भी कराएँ, कोशिश करें इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करें और आप लोगों की कॉल्स भी शामिल कीजिए. बिल्कुल जी, इस वक्त आपको बताएं कि शेख रशीद साहब वज़ीर रेलवे जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको खुश आमदीद करते हैं और उनसे मज़ीद इस हवाले से तफसीलात भी जानते हैं. थैंक यू सो वेरी मच शेख रशीद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस. शेख रशीद साहब, एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है तेज़गाम एक्सप्रेस में, जो आतिशजदगी का वाकया सुबह हुआ है. 10 अफराद के जहाँ बहक होने की अब तक हमें इतलात मौसूल हो रही है और ये कराची से लाहौर जा रही थी ट्रेन. क्या वजूहात हुई इब्तदाई तौर पर आपने अभी तक क्या ड्राइव किया है और अब तक आप क्या किस नतीजे पर पहुँचे हैं? तब्लीगी जमात थी तो कोचिंग जी, और इसमें बड़े नुकसान हो गया और बड़ी चीजें जाने जाए नंबर के बारे में ये पढ़ रहे हैं. और क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने छिलाने लगाई थी दोपहर, छिलान लगाने के बाद कोशिश में देख रहे हैं कि आज कुछ भी जो है वो फूल हो रही है बाथरूम में भी देखा जाए. तो एक बहुत बड़ा हादसा है जी. तब्दीली जमात के लोग सुबह नाश्ता बना रहे थे ट्रेन में, पिछले हफ्ता देखा है. क्या शेख साहब आपके ख्याल में इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर किसी बोगी के अंदर कोई शख्स इस तरह की कोशिश कर रहा है, कोई इस तरह अगर चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोका जाए? क्योंकि अब तो यकीनन इसके ऊपर कार्रवाई होगी, आगे से सिलेंडर वगैरह और जो भी ऐसी फ्लेमेबल आइटम्स होंगे उसको ले जाने पर पाबंदी पहले भी यकीनन होगी, लेकिन लोग ये समझते नहीं है. लेकिन अब क्या पाबंदी करवाई जाएगी इसके ऊपर? सख्ती से इंतज़ामिया को कहा जाएगा कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए. ये 134 ट्रेनों को हम साफ 10 दिनों के लिए, 2 लाख लोग राय बन जाते हैं अपने जमा पे, उनका जो जोर लगता है वहाँ पे जी जी. और ये छोटे स्टेशनों से टीचड़ जाते हैं. हमारे पास 7 स्टेशनों पे हैं, 455 हमारे स्टेशन हैं. 455 में तो हम अब ट्रेन के अंदर कोई नया निज़ाम लाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग नहीं बाहर आते जी. जाते हैं तब्दीली जमात वाले, तो 10 दिनों में नाश्ता वाश्ता अपना ट्रेन में बनाते हैं.
और आगे तक जाशन नाथ आप देखे जाते हैं, कैरेसिन आयत शायद, तो ये सारी सूरत हाल है, बहुत सख्ती करनी पड़ेगी, ये बड़ा हादसा हो गया जी जी, और इससे हमें सबक सीखना होगा। बेशक बेशक आपने सही। अच्छा शेख खुर्शीद साहब, आप क्या समझते हैं आवाम को किस तरह से अवेयरनेस दी जाएगी, क्योंकि ये छोटे छोटे जो वाकयात इस तरह के पेश आ जाते हैं और ये अचानक से लोग ब्रीच कर देते हैं इस तरह के उसूलों को और उसके बाद दूसरों की जानों से भी खेल जाते हैं, आप क्या समझते हैं हमारी आवाम के लिए क्या आप जो है समझते कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, आवाम को समझ है, हम कानून से नहीं डरते, हम बस क्या करें, हम किस किस्म के लोग हैं कि हमें पता है कि बिजली नहीं करना लेकिन हम कर रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं हैं, सब अच्छी उम्र के लोग हैं और ना कानून से डरते हैं ना कानून का एहतराम करते हैं। अब कोई आगे से अगर कानून पे अमल दरामद कराना चाहे तो उसके जगह पड़ते हैं, हमारी बड़ी नफ्सियाती तौर पर हम अजीब उलझनों का शिकार हैं, इसमें इंशाल्लाह अमल करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये एक दफ़ा ये भी बता देगा शेख रशीद साहब, क्या ये जिस तरह से जो सिलेंडर फटने के का ये वाक़ा हुआ है तो क्या सिलेंडर जलाने की या ले जाने की इजाज़त है क्या ट्रेन में इस तरह? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर ये जमात वाले जब शहरों शहरों में ले जाते हैं सिलेंडर, अपना तेल, अपना राशन, ये जब तबली जमात के लोग निकलते हैं बड़ी तादाद में, अगर ना फैसिलिटी दे तब भी बुरी बात है, हमने इनके लिए नया स्टेशन खोला है ताकि तमाम है, लेकिन सहूलत देने का क्या फायदा जबकि सारी अपनी जाने गई हैं, दोनों कोचें जो सब सहमत हुई हैं वो तबीयत जमात के लोगों ने, एक ही आदमी ने बुकी जमात के लिए। अच्छा शेख साहब, आपके पास अब तक क्या इतलात आई है, कितने लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं इसमें, कितने जख्मी हैं और आप क्या इब्तदाई उनको जो है वो तिबी सहूलियात दे रहे हैं, क्या कर रही है रेलवे की मिनिस्ट्री, ये थोड़ा सा बता दीजिए। ये तादाद बढ़ सकती है, आज बंद हो गई है और अंदर से देख रहे हैं उनमें कितनी लाशें हैं, क्योंकि ये तादाद बढ़ सकती है, ट्रैक को खोल दिया है, उसको ले जा रहे हैं हम आगे और इसमें जो लाशें हैं वो अभी आग पे काबू पा लिया गया है शेख साहब जी, ट्रैक भी खोल दिया और आग पे भी काबू पा लिया और मुसाफिरों को भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर। अच्छा, और ये मुसाफिर जो उनके जो लवाहकीन वगैरह हैं वो किस तरह राबता करें, कैसे पता चलेगा? तमाम मेजर स्टेशनों पे हमने हेल्पलाइन खोल दिया है और वो पता कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल के तवस्सुल से भी हेल्पलाइन नंबर बताना चाहें ताकि लोग जो राबता करना चाहते हैं। अभी वो जारी कर रहे हैं तमाम स्टेशनों पे, क्योंकि अभी ये देखें एक एक आदमी ने जमात दोनों कोचिंग जमात ने बुक किए हैं जी जी, जमात के अमीर साहब ने बुक किए हैं, सो हम देख रहे हैं कि इसका कोई सूरत हाल क्या निकले, उन लोगों को पता है जो कि जमात के लोग हैं कि उनके दो फैमिली किसकी फैमिली से हुई है, यानी उनके मर्द जो गए हुए हैं, सो हमने हेल्पलाइन खोल दी है अभी किसी के देने आने, क्योंकि हमें अब आग बुझी है तो हमें एग्जैक्ट नंबर का पता लगे। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, आपने अपना वक्त दिया और हमें मालूम है कि आप जाहिर सी बात है ऐसा कि सूरत हाल से निपटने के लिए भी लगे होंगे भागदौड़ में, और जिस तरह से शेख रशीद साहब भी बता रहे थे नाजरीन के हमें इस बात को समझना होगा, कानून से जो है वो फॉलो करनी होंगी चीज़ें, हम कानून के धज्जियाँ बिखेर देते हैं, उड़ा देते हैं हवा में और ये एहतियात बरतते हैं, और उन्होंने क्लियर कैटेगोरिकली बताया कि इस तरह के इनफ्लेबल जो है वो आइटम्स ले जाने की इजाज़त भी नहीं है और नहीं होती इजाज़त बिल्कुल भी किसी तौर से इजाज़त। मज़ीद और क्या बात करें आपके सामने, इस वक्त तो बात करना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतना अफसोसनाक वाकया है कि सुबह का वक्त था और ये ट्रेन में लोग जो है वो जा रहे थे यहाँ से और एक इंसानी गलती की वजह से कितना बड़ा जानी नुकसान हुआ है, और इसके ऊपर अब क्या मज़ीद कहा जा सकता है, लोग अगर पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के नुकसान होंगे। आप भी अपने इर्द गिर्द अगर किसी इस तरह के लोगों को देखें सफ़र करते वक्त, एक तो हमारे मिजाज में ये भी चीज़ में शामिल नहीं है कि अगर कोई हमें किसी गलत काम करने से रोकेगा तो हम समझेंगे शायद कि वो हमसे किसी जेलसी में कर रहा है या किसी उसमें है, लेकिन ये बात हम क्यों नहीं समझते कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं और अगर कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए खुदारा समझने की कोशिश करें कि वो ये बात कह क्यों रहा है, ये एक छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अभी जैसे वज़ीर मौसू फरमा रहे थे कि इसमें तादाद बढ़ भी सकती है, यकीनन तीन बोगियां इसकी लपेट में आई हैं और तीन बोगियों के अंदर यकीनन बड़ी तादाद लोगों की जो है वो ट्रैवल करती है और लोगों ने सलांगे लगाई जान बचाने के लिए, जाहिर सी बात है, और क्या कर किया जा सकता था, मैंने तो आपसे कहा कि लोग तो कितने सो रहे होंगे, बिल्कुल सो रहे थे सुबह सुबह का वक्त ऐसा ही, नींद उसमें बेहोशी की हालत में हो गया, यानी कि आधे सो रहे होंगे और उनको पता ही नहीं होगा कि कैसे उठे और कोई खुदा ना खास्ता उसमें भी जो है वो हालात ऐसे हो गए। बहरहाल आपसे कुछ देर में वो कह रहे हैं हेल्पलाइन नंबर हम जारी करने वाले और ज्यादातर उसमें तबलीगी जमात के लोग थे, वो बार बार इस बात पर फोकस कर रहे थे, एम्फसाइज कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि
134 स्टेशंस हैं मेरे ख्याल से, जिसमें उन्होंने बताया कि लोग चढ़ जाते हैं और 2 लाख के करीब ये लोग उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों में मौजूद हैं। और एक गुजारिश और करना चाहूँगा, ये जितने भी हमारे तबलीगी भाई हैं जो इस नेक काम से जो जुड़े हुए हैं और जो काम कर रहे हैं, जितने भी अमीर उनके साथ होते हैं, अब ये बाकायदा ये जो ट्रैवल करने के जो तरीक़ेकार हैं, जो रूल्स हैं, उसके बारे में खुदारा ज़रूर बताएं। हर मामले के ऊपर गुफ्तगू होती है, दुनियावी मामले पे ये भी एक बड़ा आम मामला है। जब भी आप ट्रैवल करने के लिए जमात को लेकर जाएं, पहले से उनको बता दें कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो किस तरह आपने काम करना है। और खुदारा दौराने ट्रैवलिंग आप कभी भी कुछ पकाने की, कुछ चलाने की कोशिश ना करें। जहाँ आपका पड़ाव हो, जिस जगह आपका क़याम हो, वहाँ पर जाके आप बार बार वक्त ज़रूरत आप इस जो है वो जला लें। कोशिश करें कि इस तरह की जो है वो दौरान सफ़र, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमने देखा ये है कि दौरान सफ़र भी कुछ शिकायत बड़ी तकलीफ दह चीज़ है, लेकिन ये अब बताना इसलिए ज़रूरी है कि देखें इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाज़ जगह जमात का अहतमाम जो है वो ट्रेन के जो गुजरगाहें होती हैं उसके अंदर ही शुरू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग फिर बहुत ज़्यादा जो है वो होते हैं। तो इस चीज़ को आप समझने की ज़रूरत है, इन सारे आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है और इसके बारे में भी बताएं कि दौरान सफ़र जो है इन तमाम चीज़ों से जो इज्तनाब ज़रूरी है। जब आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएँ तो उसके बाद ज़रूर, बल्कि मैं फिर कहूँ कि ना सिर्फ ट्रेन, जहाज़ में और गाड़ी में भी, जब आप बसेस में भी जब आप जाते हैं और सफ़र करते हैं, खुदा के लिए इन सारे रूल्स को ट्रैवलिंग के दौरान ज़रूर वो करें। देखिए इतना बड़ा वाकया हो गया और अभी मिनिस्टर साहब खुद भी, हालांकि ये बड़ी बात थी कि वो हमारे पास ऑन द स्पॉट आ गए, हमने उनसे जैसे ये रिक्वेस्ट की, और ख़ासतौर पे शेख साहब हमेशा से टाइम देते रहे हैं हमें पहले भी, और वो हमेशा टाइम देते आए हैं। और वो जिस तरह से उन्होंने कहा कि देखें लोगों की नफ्सियात ही ऐसी हो गई है कि जिस चीज़ के लिए मना करो वो वही चीज़ें कर रहे होते हैं, सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो प्लीज़ अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल करें, अपने आप को मुश्किल में ना डालें और लोगों को भी अपनी वजह से मुश्किल में ना डालें। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ टुडेज सेगमेंट। सो बहरहाल एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टेशन देखते रहिए गुड मॉर्निंग के नाम से। वेलकम बैक, तो नाज़रीन एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज है जी जुमरात, तो आज ही पिछले हफ्ते की तरह इस वीक भी डॉक्टर सलमान जवान हमारे साथ मौजूद होंगे जी, डायबिटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पे और इस तरह के जो अमराज हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होगी जी। तो अभी हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर सलमान जमान खान ने, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमें बताएं कि आज हम किस मौजू पर बात कर रहे हैं, और चूँकि जैसे थे डायबिटीज़ में भी सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं और इसके अलावा भी आप आर्थराइटिस वगैरह के वाले से भी बात करते हैं, तो आज किस मौजू पर बात करेंगे हमारे नाज़रीन को बता दें। वालेकुम सलाम, और देखने वालों को मेरा सलाम और दुआओं का तलबगार हूँ। सेकेंडली, डायबिटीज़ एक बड़ा वसी टॉपिक है और उसको जितना हम कवर करें, हम जितने सेशंस कर लें वो कम होंगे। सेकेंडली ये कि इसको रिलेटेड ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि रोज़मर्रा के जो हमारा रूटीन होता है, जो भी हमारी आवाम हैं, लोग हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, हमारा पढ़ा लिखा तबका, आपको पता है कराची आई तो वैसे ही पढ़े लिखे हैं, तो वो एक लिपिड प्रोफाइल होता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह, और उसको लीड करती हुई प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें ओबेसिटी है और मज़ीद उसको इनफर्टिलिटी लीड करती है। अच्छा। जो मेल तबके को बड़ी प्रॉब्लम होती है इन डायबिटीज़, तो इसी पर हम बात करेंगे, ये मेजर कॉम्प्लिकेशन हैं, इसी को हम आज लीड करेंगे। वैसे तो इसकी बहुत कॉम्प्लिकेशन, अगर उसमें हम जाएंगे तो फिर तो टॉपिक ही लंबा हो जाएगा, तो वी शुड कीप इट टू दी हाइपरलिपिडेमिया में कॉज लीडिंग टू फर्दर डिजीजेस। बिल्कुल ठीक है, और ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ज़ियाबतीस के साथ भी एक बेहतर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। हमेशा हमारा मकसद यही होता है कि आप अगर अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे तो उसके साथ एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग विद दिस ओबेसिटी, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ज़रा ये समझाएं कि ओबेसिटी की वजह से कितने नुकसान जो हैं वो हो रहे हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं, पहले तो मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट। देखें, जो मेरा टॉपिक है फिर वो वहीं पे स्टार्ट हो जाता है कि ओबेसिटी लीड्स टू हाइपरलिपिडेमिया, आपका फैट कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी में, और वही बात है जो हम पहले भी कहते रहे हैं कि
आपकी जो लाइफ स्टाइल है, डाइट, ये सारी चीज़ें आप एक कॉमन बहुत कंट्रोल रहना चाहिए, खासतौर पर आपका कार्बोहाइड्रेट इनटेक। अच्छा, सेकेंडली ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उन्हें मसला ये होता है कि वो बेचारे एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं और ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं और सारी चीज़ें, मगर वो कहते हैं यार हमारा, या अगर हम डायबिटीज़ को हटा के ही बात करें, अगर सब मोटापे भी आ जाएँ तो लोग बहुत सारी एक्सरसाइज और फिर भी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लेते हैं, मगर फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा होता। और होता है क्या, इनिशियली तो बहुत ज़्यादा करते हैं, जब उनका वेट लॉस उनका नज़र नहीं आता होते हुए 2-3 महीने में, तो क्या होता है कि दे स्टार्ट ईटिंग अगेन, कहते हैं जब हो ही नहीं रहा तो फ़ायदा क्या। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 3 महीने तो लगते हैं इनिशियली स्टार्ट करने में, ठीक है, उसको स्टार्ट होने में, वेट लॉस प्रोसेस स्टार्ट होने में, अगर हम नेचुरल करने जा रहे हैं। और इट लीड्स टू 6 मंथ टू ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, आज से कुछ सालों पहले की बात है, आई वॉज 82 kg, अगर मैं 8-9 साल पहले चला जाऊँ, और मुझे अपना फैट कट डाउन करने में कम से कम 7-8 महीने लग गए थे। 7-8 महीने बाद जाके मुझे कहीं नज़र आना शुरू हुआ था। आई एम ए स्पोर्टी काइंड ऑफ अ पर्सन, तो उसमें डिफरेंट था, स्क्वॉच थी, फिर मेरा जिम भी था और ये सारी चीज़ें, तो मुझे 7-8 महीने लगे थे नेचुरल में कि जिससे फैट लॉस करना है, उसमें थोड़ा बहुत डाइट भी कंट्रोल था। तो इस तरह आपको अपना कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम करना है, आपको अपने मील्स प्रॉपरली कम करने हैं। और ये नहीं कि जी, वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो खाते ही नहीं है, हमारे आजकल के यंग जो लड़के लड़कियाँ हैं वो जी खाते ही नहीं पूरा दिन कि जी उससे फैट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको शॉर्ट मील्स लेना होता है, आपको कार्ब्स इनटेक कम करना होता है, कार्ब्स अंदर जाके आपका कन्वर्ट ही फैट्स में होती हैं। और फिर अगर अगर इन सब के बावजूद नहीं हो रहा तो फिर आपका हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसको चेक कराएं, इंशाल्लाह ताला होगा। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ दिस इनफर्टिलिटी की अगर बात करें, अगर डायबिटीज़ की वजह से ये हो रही हैं तो देर आर सो मेनी पीपल, दे डोंट नो कि दे आर एक्चुअली हैविंग डायबिटीज़, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी को आ रही है तो उसको क्या करना चाहिए? पहले डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना चाहिए, फिर इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, या वाइस वर्सा अगर इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा रहे हैं और साथ में डायबिटीज़ भी हो रही है और नहीं इसके बारे में पता चल रहा, तो क्या इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकेगी? क्या देखिए, ये सब चीज़ें इंटरलिंक है। अगर हम चले जाएँ मोटापा लीड्स टू डायबिटीज़, ठीक है, और डायबिटीज़ बहुत सारे हमें पता ही नहीं होता, अर्ली 40s में ही हमें जो मोटे पेशेंट्स होते हैं, ओबेस पेशेंट होते हैं, उनको ज़्यादातर उनको रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ के। तो उसमें ज़्यादातर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डायबिटीज़ हो, मगर अगर किसी को फैट कंटेंट बढ़ रहा है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ही इज़ मोर प्रोन टू डायबिटीज़ रादर देन नॉर्मल बंदा। तो 40s, early 40s हमने टेस्ट कराएं और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल रखें, प्लस चाहे डायबिटीज़ हो या ना हो, दोनों सूरतों में इसका ट्रीटमेंट है जो मैं करता हूं, और उसके मेडिकेशंस भी हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस हैं, और उससे पेशेंट रिकवर हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी क्या आपको लीड करता है कि जहां पर आपको इनफर्टिलिटी होती है 200%? क्योंकि लोग ज़्यादा जानते नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के नुकसान क्या है, खासतौर पर आदमियों को। मैं इसको थोड़ा सा बता, देखें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बहुत सारे, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी नहीं, एक रेंज, अगर हम एक टेस्ट कराते हैं उसको कहते हैं हमारी जबान में लिपिड प्रोफाइल लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है, वो निहार मुँह कराया जाता है 12 घंटे की फास्टिंग कह लें, खाना पीना बंद करके सुबह सुबह आप निहार मुँह जाकर ब्लड देते हैं। तो उसमें होता यह है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल है, उसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, LDL है, HDL है। अच्छा, लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स हम अमूमन देखते हैं कि हम जब ये कराते हैं ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स लीड्स टू फर्दर चीज़ें जिनकी हम बात कर रहे थे, इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ये सारी चीज़ें। तो हमें शुरू में इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, प्लस डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती, कंट्रोल, अगर आपको कोई बोल रहा है ख़त्म हो जाएगी तो आपसे झूठ बोल रहा है, कंट्रोल हो जाए, और उसका एम ये होना चाहिए कि उसको कंट्रोल रखा जाए, तो इंशाल्लाह ताला कि ये जो इनफर्टिलिटी वाला प्रॉब्लम भी है ये रिवर्ट होगा, इसमें बेहतरी आएगी, उसकी मेडिकेशन है जो हम देते हैं और ठीक हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या टेस्टोस्टेरोन को भी डिस्ट्रॉय करता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेस्टोस्टेरोन का बड़ा इफेक्ट करता है, और वहाँ पे सेल्स होते हैं उनको जाके डैमेज करता है, ये सारी चीज़ें लीड करता है, लेडन सेल कहलाते हैं, और उसको डिस्ट्रॉय करने की वजह से ऑब्वियसली फिर ये सारा प्रॉब्लम आ सकती। तो आदमियों के लिए जो सबसे एसेंशियल हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, और अगर उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है और इट लीड्स टूवर्ड्स इनफर्टिलिटी। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर अभी आपको बताते हैं एक्चुअली ये होता क्या और इसके क्या नुकसान। आप एक कॉलर उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। तो आज इसके हवाले से बात करें, ट्रीटमेंट किस तरह की जा सकती है, किस तरह की जानी चाहिए,
और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखना है, ओबेसिटी को भी कंट्रोल करना है, ताकि मज़ीद फर्दर इसमें फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो शुरू हो जाती हैं। मैं चाहूँगा यासर, देखें बात यह है कि मैंने यहाँ यूजुअली प्रैक्टिस में देखा है कि अगर लोग कोलेस्ट्रॉल कराया गया है उसके सब टाइप्स बहुत सारे हैं जी, हर किसी की मेडिसिन अलग है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइग्लिसराइड अलग दवा से ठीक होगा, प्लस आप डाइट करनी है, वो सारी चीज़ें करनी है, मगर वो अलग दवा से बेहतर होगा। इसके अलावा एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो आपका रेज्ड है, मैं उसकी रेंजेस में नहीं जा रहा, अगर वो आपका रेज्ड है, वो नॉर्मल लोग खुद भी देख सकते हैं, आजकल हर लैब में इतनी एडवांसमेंट है कि आप खुद रेंज मैच कर सकते हैं, नॉर्मल रेंज बता दी, नॉर्मल रेंज रखी होती है भाई, इस दौरान है या इससे बॉर्डर लाइन है, इससे बड़ी हुई है। एलडीएल जो है अगर वो आपका बढ़ा हुआ, इट लीड्स टू हार्ट अटैक। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आम आवाम खुद पढ़ के अपना खुद भी देख सकती है। एलडीएल जो होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, अंग्रेजी में उसको कहते हैं, इसका फुल एब्रीविएशन, ये आपको हार्ट अटैक के लिए लीड करता है। और प्लस ट्राइग्लिसराइड अगर आपके बढ़े हुए तो इंडिकेशन है, साइन है ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में, वो अमूमन जिनकी हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई होती है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं अमूमन। तो हमें ट्राइग्लिसराइड्स भी ठीक करने हैं और एलडीएल भी ठीक करना है। अच्छा, जो एचडीएल होता है वो गुड फैट होता है, तो वो एक तो ना ज़्यादा ब्लो लेवल होना चाहिए ना ज़्यादा उसको नॉर्मल रेंज में रखना चाहिए, इट्स अ गुड फैट। तो ये ऐसी कॉम्बिनेशन, सबकी दवा अलग अलग है। तो मैंने देखा अमूमन यहाँ पे कराची अगर हम बात करें तो लोग जी एक ही जैसी दवा ले रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 साल से जी एक ही एंटी हाइपरलिपिडेमिक जो भी होती है वो चल रही होती है, नहीं इसका तरीकाकार अलग है, उसकी हर दवा अलग होती है। ज़रूरी नहीं, पेशेंट को ये नहीं पता होता कि इस दवा से क्या ठीक होना है, क्या वो खा रहे हैं जी तो खा रहे हैं, तो आपको शुगर भी कंट्रोल करनी है तो जाके आपकी दवा भी काम करेगी, ट्राइग्लिसराइड्स बेहतर होंगे, आपका फर्दरली लीडिंग टू टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर होगा। जिस दवा की मैं बात करूँ, जिन मेडिकेशन की जो मैं देता हूँ, तो वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स भी हैं, टेस्टोस्टेरोन को बेहतर भी करती हैं, मगर हमें ये भी देखना होता है कि वो हार्ट पे नहीं अफेक्ट करें सारी चीज़ें, exactly. तो उसको अब एक प्रॉपर रेंज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट, ओवर द काउंटर जो लेते हैं ना वो गलत है, वो गलत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बहरहाल जी, आप अपनी कॉल कर सकते हैं, बात हो रही है डायबिटीज़ के हवाले से, अगर आपको सवाल करना है प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर्स दिए गए हैं, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बात हो रही है, अब इसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है, क्या आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन हैं जिन तमाम चीज़ों को इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है मेडिसिन के ज़रिए? मैं चाहूँगा थोड़ी सी पहले उसकी निशानदेही हो जाए। देखें बिल्कुल ऐसी, देखें हमारे 2-3 वाइटल ऑर्गन बड़े इंपॉर्टेंट है, ब्रेन, हार्ट और किडनीज, ठीक है। अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो उनके सेल्स परमानेंट होते हैं, आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड सारी से बढ़ रही है, एलडीएल बढ़ रहा है, तो इट कैन लीड टू यू टू हार्ट अटैक प्लस स्ट्रोक, मतलब ये फालेज वगैरह की तरफ, ये बड़ा खतरनाक। इसी की वजह से आपकी आर्टरीज के अंदर कंजेशन, प्लाक आ जाते हैं, फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है और नैरो होना शुरू हो जाती है, तो ये आपको लीड कर सकती हैं सब चीज़ें। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करें, और ख़ासतौर पर अब 45 वाले अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करें और अपनी डाइट को बेहतर करें। कार्बोहाइड्रेट, मैं बार बार हर शो में पहले भी आता था और आज भी मैं यही बोल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम से कम रखें, लिमिटेड, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप बंद कर दें, बट आप लिमिट, हर चीज़ में कार्ब्स हैं, हर चीज़ में कहीं ना कार्ब्स हैं, कार्ब्स को लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी समझा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपको समझने तो ये भी बता देंगे कौन सी खुराक में जो मेन सोर्स है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटी इसकी सबसे रिच सोर्स है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं और दबा के इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल जी कॉलर हैं उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, जी फरमाइए, अपना नाम बताइए क्या? साइमा बताइए क्या पूछना चाहेंगी? टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें फिर बात करें। साइमा आपकी आवाज नहीं है आ रही क्लियर। गालिबन हमारे लाइन में कुछ इशू है, आई थिंक टेक्निकल ग्लिच है, मैं चाहूंगी अपनी ऑडियो टीम से कि थोड़ा सा उसको देख लें। अच्छा, क्योंकि यहाँ स्टूडियो में भी आवाज़ हमारे पास सही नहीं आ रही, ठीक है अभी इसको जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। आप दोबारा से कॉल करें और उसके बाद बताइए, कुछ समझने में बात आपकी जो है वो ठीक से नहीं आई, आप जो बताना चाह रही थी और बात हो रही थी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ये स्ट्रोक और हार्ट अटैक तो लीड करती हैं सारी चीज़ें, और फिर वही जो आज का मेरा टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेल कम्युनिटी का मेजर प्रॉब्लम होता है इनफर्टिलिटी, तो उसको भी लीड करती हैं। और देखिए एम हमारा यही होना चाहिए कि अगर हम प्री डायबिटिक हैं कि हमें शुरू की है तो हमें तशखीस होना चाहिए और उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम टाइप 2 फेज़ में जा चुके हैं, इफ़ यू आर अबव 40 और हमें प्रॉब्लम है, तो भी हमारी अगर डायबिटीज़ बढ़ी हुई नज़र आ रही है, शुगर बढ़ी हुई नज़र आ रही है,
और हाइपरग्लाइसेमिक हैं, 250, 300, 400 शुगर आ रही, तो हमें इसको कंट्रोल कराना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। और ये देखें, ये कॉन्सेप्ट गलत है, बड़ा 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 गलत कॉन्सेप्ट है हमारे ना लोगों का कि जी वो तो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट आते हैं तो उनकी मैं बड़े डाइट कंट्रोल की हुई होती है, कुछ पेशेंट्स की तो कहते हैं और हमारे खालू जी, मामू, चाचू, वो तो इंसुलिन भी लगाते हैं, डॉक्टर साहब खाते सब हैं। भाई अगर वो खा रहा है तो उसको वो प्रॉपरली शुगर चेक नहीं कर रहा, बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लोगों क्या होता है कि वो अपने आप को घर का बड़ा समझ के बस जो आया सबको बोल दिया और सब मान रहे होते हैं उसको। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आप अपने आप को देखें, हम दूसरों को ना देखें। लोगों को ये नहीं पता कि रीडिंग्स चेक करने का तरीका क्या है। हम बार बार आते हैं शो पे, हर दफ़ा न्यू रीअश्योर होती होगी, हम चाहते हैं कि यार उसको आगाही दें, यही कर सकते हैं हम। तो आप अपनी शुगर चेक करें नाश्ते और रात खाने के बाद, 200 के अंदर रहना चाहिए दोनों एंड्स। अगर ये है और ये मुसलसल कंट्रोल रहे तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। और अगर आप, मैं ये कहता हूँ, अब 45 आज भी, जिसको 10 साल से शुगर है, जिसको 5 साल से शुगर है, अगर वो आज भी शुगर कंट्रोल कर ले, विद इन फ्यू मंथ्स उसकी ये सारी प्रॉब्लम एवर्ट हो सकती हैं। हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक है, इसकी बहुत सारे पेशेंट्स की हुई हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, जबकि मैंने देखा है कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास हेरिटेंस में है डायबिटीज़ और हम अगर कंट्रोल करें या ना करें, समहाउ उस रेंज में आ ही जाएंगे। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, और क्या अगर कोई शख्स जो प्रिकॉशंस लेता है, इससे बचने की कोशिश करता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करता है, क्या उसको भी आगे जाकर डायबिटिक होने का चांसेस होते हैं? मैं चाहूँगा इसको आगे जिनके इनहेरिटेंस में, देखें अगर आपकी फैमिली में है और ये सारी चीज़ें हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी लेवल्स पे चलना चाहिए। आपको तो अपनी यंग एज से ही अपने आप को एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट की तरफ रखना चाहिए, जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम, और तो आप बचे रह सकते हैं। मगर फिर भी अगर आप फैमिली में हैं और ये सारी चीज़ें आप नहीं कोप अप कर रहे, जिसमें डाइट और ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा है, तो ये चीज़ें फिर आपको लीड करेंगी डायबिटीज़ में। फैमिली में है तो आने के बहुत सारा चांसेस होते हैं, तो इन सबको आप अपनी एक्सरसाइज और डाइट से ही इसको कंट्रोल रखा जा सकता है। मगर जिन पेशेंट्स को है, मैं मेरी दरख्वास्त है उनसे कि अपने डॉक्टर्स के पास जाएँ, उनसे डिस्कस करें। मैं बहुत सारे पेशेंट से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ भाई अपने डॉक्टर से क्यों नहीं, कहने डॉक्टर साहब बात ही नहीं करते। नहीं, ये गलत है। पेशेंट की काउंसलिंग, उसका उसको पहले उसका सुनना, पहले उसके पास उसकी हिस्ट्री जो होती है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, फिर उसको हमें काउंसल करना। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, उसका लाइफस्टाइल नहीं जानेंगे, उसका वर्क पैटर्न नहीं जानेंगे, तो जब उसकी डाइट नहीं जानेंगे तो हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो लोगों को भी चाहिए दे शुड टॉक टू देयर डॉक्टर्स, और बात करना चाहिए, उसके बाद ही इस चीज़ का हल निकलेगा। और सिर्फ लाइफस्टाइल, डाइट और फिर मैं कहता हूँ तीसरा मेडिकेशन, ये तीनों मिलेंगे, सही दवाइयों का डोज भी आपको मिलेगा, सही इंसुलिन का डोज मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर, आपके जो भी बॉडी टाइप है और आपके जो भी शुगर है, तो उसके बाद जाके सारी चीज़ें ठीक होंगी। और सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा से कहते हैं कि ग्रेस किया जाए। डॉक्टर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका भी आपने खुद ही तस्करा किया है कि यू नीड टू टॉक टू द डॉक्टर, डॉक्टर से बात करें, खासतौर पर इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं, ये आदमियों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम, लोग इस बारे में बात करने से घबराते हैं, और यकीनन आपके पास भी आते होंगे, बेतहाशा पेशेंट आते हैं, और बात करना चाहिए। डॉक्टर आपको उसका सही तरीकेकार बताएगा और वो क्यों हो रहा है, उसको उस कॉज को जाके कैप्चर करेगा, उसको ट्रीट करेगा, आप बेहतर हो जाएंगे। ये गलत कॉन्सेप्ट है, अगर हो रहा है डायबिटीज़ की वजह से तो नहीं आप ठीक हो सकते, बिल्कुल। कुछ लोग समझते हैं शायद हमारा फेट है, कुछ हमारे पास ऐसे वो है तो हम जो है इसको नहीं वो करा सकते। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी ट्रीटमेंट बड़ी आसान है, ये आपको बड़ी हैरानी होगी जान के ये बात कि इसकी ट्रीटमेंट बड़ी आसान है, बस डायग्नोसिस इसका ज़रूरी है। लेकिन अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे, खुलकर अपना मसला बयान करेंगे, तो यकीनन इसकी ट्रीटमेंट आजकल लो मॉडर्न साइंसेस के अंदर बहुत आसान हो गई है। डॉक्टर साहब के पास, अपने पास बहुत ऐसी मेडिसिन हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब अमेरिका में रहे हैं, वहाँ पर रिसर्च की है, वहाँ पर काम किया है, डायबिटीज़ के हवाले से बहुत अर्सा उन्होंने स्पेंड किया है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन के ऊपर भी काम किया है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा दिए। डॉक्टर साहब ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल यासर, आप देखें बहुत पाकिस्तान भी बहुत एडवांसमेंट में चला गया है मेडिकेशन को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इंसुलिन में, मेडिकेशन में, और लीडिंग टू देयर प्रॉब्लम उनकी भी दवाइयाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कॉलर उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉल बात करें कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, वाल साहब मैं अंदरून से लाड़का से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात करें? अंदरून से लाड़काना से। जी लाड़काना से, जी 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 जी, कौन बात कर रहे हैं, नाम बताए? नाम बशीर अहमद है। शुगर जो है मेरे को 12 साल से है, उम्र है 45 साल। ठीक है ठीक है, 12 साल से शुगर है और उम्र क्या है? 45 साल। 45 साल, ठीक है। 45 साल, ठीक है। और उसमें ये है कि मेरे आँखों को फर्क पड़ गया है, आँखों की नजर खत्म हो गई है, और उसके अलावा थोड़ी थोड़े से
गुर्दे की भी मतलब डॉक्टर बता रहा है कि वो भी पुतले से भी थोड़ी सी लेस आ गई है और आंखों की नजरें कम हो गई हैं। अच्छा, आप सर्जरी भी कराई है लेकिन फायदा नहीं हुआ है, आंखों 3 महीने हो गए फायदा नहीं हुआ है। और अभी मैं डॉक्टर से ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ित नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है जनाब, ठीक है। देखिए, अब उनसे सवाल करना तो इस वक्त बहुत लंबा हो जाएगा और कॉलर्स रह जाएंगे। अब इज ही सेड ही इज डायबिटिक सिंस लास्ट मेनी इयर्स और 10-12 साल बहुत होते हैं। मसला ये देखें, मैं अभी रिसेंटली केस, वैसे तो पता नहीं कितने केस आते हैं जाते रहते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक पेशेंट एडमिट किया और वही बात है कि कॉम्प्लिकेशंस। अब देखें, हम कितनी दफ़ा भी बोल रहे हैं, हर दफ़ा न्यू एक व्यूअरशिप होती है बेचारी जो पूछना चाहती है कि भाई मसले मसाइल क्या होते हैं। जिससे उसने बताया आँखों का मसला होता है जी, आँखों की रगों को इन शॉर्ट वो डैमेज करती है, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लें, ठीक है। अगर आप कोई सा भी कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हुई, कोई भी मसला हुआ बॉडी में, यहाँ तक कि हार्ट अटैक हुआ और आप हॉस्पिटल पहुँच गए, अल्लाह ताला ने आपको फिर ज़िंदगी देनी है, आपने एंजियोग्राफी कराई, प्लास्टिक कराई या किसी का बाईपास भी हो जाता है, उसके बाद भी आप रह रहे हैं जिंदा, तो मगर आपकी शुगर फिर कंट्रोल नहीं है, फिर जाके होगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता, मैंने अभी फिर देखें इस बातों से मुझे याद आया कि आपका अगर कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी नहीं, आप डायबिटीज़ हैं, डायबिटीज़ में मुबतला है, इसके अलावा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मगर जब आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है शुरू में, उसको आप उस वक्त नहीं कंट्रोल कर रहे, तो ये निशानदेही है इन चीज़ों की, आगे जाके आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर में मुबतला करेगी। तो भाई, आप पहले से इसको कंट्रोल, अब जो इनके मसले मसाइल हैं, इनको अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, नाश्ते और रात खाने के बाद 200 के अंदर रहना चाहिए दोनों टाइम। अगर दोनों टाइम नाश्ते और रात खाने के बाद 200 के अंदर, हफ्ते में हर तीसरे दिन आप चेक करें। अब इसका पूरा तरीके का हम फिर आप सवाल बताएंगे, कमेंट में बता दूंगा, हो जाएगा तो बेहतर ही होगा, शो देखते रहें। तो इसका यही है कि अपनी शुगर कंट्रोल करें। बिल्कुल अनवर साहब, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने सबसे पहले तो आप एक काम ये कीजिए कि अगर आपका एक्सेस है कराची तक, अगर आप आ सकते हैं तो ये ऊपर नंबर दिए गए डॉक्टर साहब से आप रुजू कर लें, क्योंकि अभी आपने जो किडनी का तस्करा किया है ये थोड़ा सा, हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भूल गया बताना। जी जी, देखें वो वाइटल ऑर्गन है किडनी, और वो ये भी कह रहे थे कि मुझे बहुत वीकनेस भी है और इस तरह। हाँ, तो वो वीकनेस इसलिए ना क्योंकि आपका ग्लूकोज प्रॉपर सेल्स में पहुँच नहीं रहा, आपका जो ग्लूकोज है वो प्रॉपर, वो कौन लेके जाएगा? इंसुलिन जो है लबलबा बना रहा है, इंसुलिन हार्मोन वही तो कैरी करेगा उसको, किसको ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचेगा नहीं, ब्लड में चेक करेंगे बड़ा आएगा तो आपको थकावट या सुस्ती रहेगी ना। बिल्कुल ठीक है, तो ये इसके जो है वो इफेक्ट्स होते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आप कराची एक दफ़ा ज़रूर आएं और डॉक्टर साहब के पास आकर आप एक दफ़ा मिलें ज़रूर, वरना स्क्रीन पे ऊपर जो नंबर चल रहा है डॉक्टर साहब का, आप उनको डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। देखें, प्रॉब्लम ये है कि अगर एक दफ़ा जैसे उनका ना किडनी डैमेज हो रही है जी, ये बड़ा खतरनाक साइन है, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा किडनी फेलियर में चले गए ना, फिर उसको रिवर्ट बैक करना बहुत मुश्किल होता है, शुगर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है किडनी वालों के लिए, ठीक है, ये बड़े खतरनाक कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल ठीक है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। सकें आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी डायबिटीज़ के हवाले से और उसके साथ साथ उसकी जो पेचीदगियाँ हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। कॉलर ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने, अनवर साहब ने कॉल की थी और वो ये बता रहे थे कि उनकी बिनाई मुतासर हो चुकी है और अब गुर्दों के मसाइल भी सामने आना शुरू हो गए। थोड़ा सा जो है अपडेट कर दें अपने नाज़रीन को, क्योंकि सुबह के वक्त बड़ा ही अफसोस और नाक वाकया आज जो पेश आया है और तेज़गाम एक्सप्रेस का फिर बता रहे हैं। और इनिशियली बताया जाता था कि 13 अफराद के जहाँ बाँक होने की तादाद तो बताई जा रही थी, अब आपको बताएं कि बहुत दुखी दिल के साथ ये बता रहे हैं हम, तो मुझसे तो बात भी नहीं की जा रही इस पर और बहुत मुश्किल से आपको लेकिन बताना भी ज़रूरी है। 60 से ज़ायद अफराद हैं जो कि अब तक जहाँ बाँक हो चुके हैं, जिसकी तस्दीक कर दी है। और जो बंस यूनिट है मुल्तान के, मुल्तान का और करीब में जो भी वहाँ पर जो है वो उनको लेके जाया जा रहा है ज़ख्मियों को, और ज़ख्मियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इस वक्त अभी भी मज़ीद बताया जा रहे हैं कि 15 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं जी। और शेख रशीद साहब थोड़ी देर पहले हमसे गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा, और वो 2 सिलेंडर जिसका वो कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे, यूसुफ साहब बड़ा उस पर एतराज़ उठाए थे हमारे कॉलर थे, लेकिन मैं बता दूँ कि दोनों सिलेंडर भी मिल चुके हैं।
اور جاں بحق ہونے والوں میں بڑی تعداد جو ہے وہ میرپور خاص اور حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بتائی جا رہی ہے, اور اس میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ تبلیغی جماعت کے لوگ تھے. ان بیچاروں کو جو ہے یہ صبح کے وقت جو ہے بڑی تکلیف صورتحال ہے, اور اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. بالکل جی, اور کوشش کریں کہ جو چلے گئے ہیں دنیا سے ان کے لیے جی ویٹ کریں, اور ان کو جی پڑھ کر ہی اب جو ہے وہ بخشا جا سکتا ہے, کیونکہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ صبح کے وقت زیادہ تر جو وقت ایسا تھا, میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ لوگ سو رہے ہوں گے, آدھے سے زیادہ لوگ تو اٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک موویوں میں. بالکل, اللہ تعالیٰ رحم کرے. مرحال جی ڈاکٹر صاحب کی جانے واپس پڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ سوری کہ ہم نے بیچ میں تھوڑا سا کیا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ افسوسناک آج واقعہ صبح کے وقت پیش آیا, اور بہت سارے لوگ اس میں اب تک جو ہے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جاں بحق ہونے کی. جی ڈاکٹر صاحب, کڈنی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اب ان کی کڈنی جو ہے متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے, اور یہ سائن ہوتی ہے اس چیز کے کہ آپ کے جو آپ ڈائبٹیز کو اگر زیادہ دیر کنٹرول نہیں رکھیں گے, اگر آپ کا لائف اسٹائل چینج نہیں ہوگا, چاہے آپ پھر کوئی بھی میڈیسن استعمال کر رہے ہوں تو پھر نتائج ایسے ہی نکلیں گے. جی یاسر, دیکھیں میرے پاس آل اوور انٹیریئر بلوچستان, کراچی انکلوڈنگ پنجاب کے کچھ شہروں سے تک پیشنٹ آتے ہیں اور ریفرنسز سے آتے ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس لیول پہ باڈی کو لے جائیں گے کہ آپ کے دیکھیں یہ خراب فالج, آنکھیں خراب, ہارٹ ہے, گردے فیلئر, پتے ہیں پتھری, پیٹ کے امراض, کے قبض, کسی کو قبض ہونا, کسی کو موشن لگنا, پاؤں میں کھنچاؤ, سن ہونا, جیسے رضا نے بات کی تھی آرتھرائٹس, جوڑوں کو کوئی کیپچر کرتی, اس میں گھٹنے ہو گئے, چھوٹی ہوں گی, سروائیکل ایریا, صبح اٹھیں گے ہاتھ اکڑے ہوں گے, زخم, خارش, یہ سارے اس کی کمپلیکیشنز میں ہیں اور بڑے خطرناک ہیں. ابھی کیسز تو اتنے, اگر میں ڈسکس کرنا چاہوں تو ایک پروگرام, پھر وہ کہتے ہیں لوگ ڈرا رہا ہے ڈاکٹر, نہیں ڈرا نہیں رہا, میرے خیال سے لوگوں کو کیسز کے کو بھی رکھ کے بھی ڈسکس کرنا چاہیے. دیکھیں کڈنی کے بھی, میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, شی واز فرام, آئی کانٹ ٹیک ہر نیم, بٹ شی واز فرام بلوچستان. آنے گئے 15 دن بعد, پھر آنا تھا پیشنٹ نے, پیشنٹ نہیں آئی. ایک مہینے بعد اس کا میاں آیا, اینڈ ہی واز کہ جی میری بیگم, وہ میرے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی, میری بیگم اس میں لگ گئی, اور 15 دن, اب شوگر تو اس کی بتائیں کب سے چل رہی ہوگی, آئی ڈونٹ نو, سالوں سے چل رہی ہوگی, اور اگر اس نے پھر وہ اس ٹائم پہ اپنی جو بھی دوائیاں تھیں وہ بھی پراپر نہیں لی جو ہمارے پاس. خیر اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا, ان شارٹ اس کو کڈنی فیل, سڈن فیلئر ہوا, اور شی واز ان, نام نہیں لیتا, کسی ہسپتال میں تھی کراچی کے جو گردوں کا ہسپتال ہے, اینڈ ہی واز کہ وہ چاہتی کہ میرے انڈر بھی داخل کیا جائے اس کو. ٹائم ہیز گون نا, ٹھیک ہے نا جی, اب ٹائم جا چکا ہے اب آپ کو, تو وہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اسٹیج پہ آ جاتے ہیں. تو برائے مہربانی اپنی شوگر کو جلد از جلد کنٹرول کریں. اگر جو لوگ اس شو کو دیکھ رہے ہیں, چاہے مجھے یا کسی بھی ذیابطیس کے ڈاکٹر کو, پیشنٹس کو ریفر کریں, تاکہ جو بھی پراپر لوگ ہوں جو اس کو کنٹرول کر سکیں, تاکہ زندگیوں کو بچایا جا سکے. باقی زندگی شفا تو اللہ تعالیٰ نے, ہمارا کوئی کام نہیں. یہ فیمیل باڈی کے اندر کیا کام کرتی ہے, میل میں تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے, میں چاہوں گا فیمیل کے حوالے سے بتائیں ذرا لوگوں کو, یہ بھی سمجھ میں آ جائے, کیونکہ دونوں کیسز دیکھیں یا سر, کمپلیکیشنس ان کی وہی ہے, تھکاوٹ ہونا جو میں نے ابھی ڈسکس کی تھوڑی دیر پہلے. جو میل کے آرگنس ایسے ہیں کہ اس میں کچھ امپورٹنٹ آرگنس میں انفرٹیلیٹی ہے, مردانہ کمزوری وغیرہ, اس کو بڑا برے طریقے سے ہٹ کرتی ہے, اور وہ بڑی پرابلم ہوتی ہیں. عورتوں میں بھی وہی ہیں, اٹ کین لیڈ ٹو کڈنی فیلئر, سڈن شٹ ڈاؤن ملے جاتی ہے, گردوں کو آپ کے خراب کر دیتی ہے, آپ کے ہارٹ کے ہارٹ اٹیک کرا, وہی جو پرابلم میلز میں ہیں وہی عورتوں میں تھکاوٹ ہے اور یہ ساری چیزیں. تو آپ شوگر کو کنٹرول رکھیں اور جلد سے جلد کنٹرول کر لیں. اگر جو لوگ شو دیکھ رہے ہیں میری, ان سے گزارش ہے مجھے یا کسی بھی, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ زندگیوں کو بچا سکیں. ابھی میں آپ کو ریسنٹلی کیس بتاؤں, اور جو بھی اس وقت میرے ہی اسپتال میں جہاں پہ میں کام کرتا ہوں, آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب, آئی ایم ورکنگ دیئر, وہیں پہ ایک پیشنٹ داخل ہے اور اس کے پاؤں پہ بھی خطرناک قسم کا زخم ہے, اور اب یہ لیول آ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاؤں, شاید اللہ کرے بچ جائے, ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, مگر وہ خطرناک لیول تک پہنچ چکا ہے. اب دعائیں ہماری سب یہ ہے کہ ہم اس کو نکال لیں. تو یہ اس طرح نہیں کریں, پاؤں کٹ جاتے ہیں لوگ, ہاتھ کٹ جاتے ہیں, اور پھر بھی ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی, مطلب ایک پاؤں کٹا دوسرا کٹ رہا ہوتا ہے. بھائی خدا را شوگر کو کنٹرول کریں, شوگر بڑی خطرناک ہے, اس لیے کہتے ہیں شوگر کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے پوری باڈی کا ڈاکٹر ہوتا ہے. تو اس میں اگر میں ذیابتی, میرے پاس جو پیشنٹ آئے گا تو ہارٹ والا بھی, اس کو پرابلم ہوگا, بلڈ پریشر کا بھی ہوگا, انفرٹیلیٹی کا بھی ہوگا, پیٹ کا بھی ہوگا. تو کہتے ہیں ذیابتیز کا ڈاکٹر پوری باڈی کا ڈاکٹر ہوتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے آ کے جب بھی آتا ہوں, بیٹھتا ہوں, تو میں آپ سے کہتا ہوں میں کسی چیز پہ بات کرنی کر لوں. جی بالکل, تو کیوں کہتا ہوں, کیونکہ وی گو تھرو ایوری پرابلم جو ہیومن باڈی میں ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وائٹل آرگنس کی بات ہو رہی ہے, پروسٹیٹ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. بالکل بالکل ہوتا ہے, اب کیونکہ یہاں پر یہ بھی اب اویئرنیس کم ہے, اور بہت جلدی اس میں کینسر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہاں پر کچھ پرابلمز ایسی ہے اس پارٹ آف دا ورلڈ میں,
तो मैं चाहूंगा इसको देखें, प्रोस्टेट भी इलाज हो जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि सिर्फ डायबिटीज की वजह से, वैसे भी ओल्ड एज में वैसे भी होता है, मगर डायबिटीज में होता है तो पेशेंट को डायबिटीज में पेशाब की ज्यादती होती है, प्रोस्टेट की वजह से अलग हो रही होती है। उसकी दवाइयाँ हैं, एक सर्टन साइज तक हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लेते हैं, सिटी स्कैन वगैरह करा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके जो भी टेस्ट हैं वो करा के एक सर्टन लेवल तक तो हम उसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, वरना फिर हमें गुर्दे मसाने वाले जो यूरोलॉजिस्ट होता है उसको बुला के ये सारे बड़े लंबे लंबे टॉपिक हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें भी जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं लोगों को, और यहाँ पर ये वो डिजीजेज हैं बहुत तेज़ी से जो वो फैल रही हैं। अभी फैटी लीवर के बारे में एक ने सवाल किया था कि इसको डिस्कस करें, तो ये भी आपको बताएंगे कि उसको नुकसानात क्या होते हैं। वही जो मैंने जहाँ जो स्टार्ट ही किया ट्राइग्लिसराइड LDL ये सब फैटी, देखें डायबिटीज़ में एक एंजाइम होता है लीवर में जो TG कहलाता है, उसके लंबी डिटेल में जब वो बढ़ जाता है, और TG बढ़ने के बाद लीड्स टू ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई, आपका LDL बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये सारे ये घूम फिर के सारे आपस में हैं, लिंक्ड है। तो कहते हैं ना जो डायबिटीज़ को इनिशियली तौर पर कंट्रोल करें, डायबिटीज़ की वजह से होने वाली जितनी प्रॉब्लम्स आए, इधर इट्स हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो, गुर्दो उस लेवल पे ना लेके जाएं कि आपको हार्ट अटैक हो, आपको फालिज हो, जैसे वो कह रहे थे ये अभी भी निकल सकते हैं, हमारे भाई की जिन्हें कॉल आई थी, मगर अच्छा अब जो डैमेज हो गया ना चलें, बाकी तो ना हो, बिल्कुल ना हो, ये भी इससे पहले आके भाई, और मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ आदमी कंट्रोल नहीं होगी शुगर, जैसे वो बेचारे अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे। देखिए अगर पेशेंट हमारे पास कराची क्यों होता है, क्यों बीच में को उसको ऐसा डॉक्टर नहीं मिलता, अगर मिलता होता तो वो वहीं पर रुक जाता, और लोग यकीन करें डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है, या मैं चले मैं डॉक्टर्स कम्युनिटी को कहना भी गलत है कि सही से रीडिंग्स बता सकें उनको सारी, हम मैं तो अपने पेशेंट को पूरा टाइम देता हूं भाई, जब तक आप उसको ये बात जो मैंने शुरू में कही थी, जब तक मैं उसकी नहीं सुनूंगा और अपनी नहीं सुनाऊंगा पेशेंट नहीं ठीक हो सकता। बिल्कुल ठीक है, तो ये डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, आप जाकर मिलें और अपना केस बताएं। अच्छा एक चीज़ और इसका ख्याल रखें, मैं डॉक्टर साहब से ही ये सवाल पूछ लेता हूँ, एक ही मेडिसिन एक दफ़ा ले ली जाती है, फिर वो उसको कंटिन्यू करते रहते हैं, वो प्रोलॉन्ग होती जाती है एट सम स्टेज आपको उसके अंदर चेंजेस लानी पड़ते हैं, यू नो बेटर। मैं चाहूँगा इसको भी ज़रा एक्सप्लेन करें, लोग कहते हैं कि उसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं, कुछ अरसे के लिए तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई थी लेकिन अब नहीं हो रही ना वो डोसेज काम करी है, इसकी वजह से देखें यासर, ये जो आपने सवाल किया ना, ये सवाल मैं कहता हूँ इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ डायबिटीज़ को लेकर नहीं जी, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। भाई एक दवा खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं जी, 10 साल से खा रहे हैं, 5 साल से खा रहे हैं, नहीं भाई, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टेकिंग एनी मतलब खून पतला करने की दवा भी ले रहे हैं, तो भाई हर 3 महीने से 6 महीने के अंदर आपने अपने ऐसे टेस्ट कराने होते हैं देखने के लिए, आपका सफ़ेद मादा तो कम नहीं हो रहा, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, आपका CBC जिसको कहते हैं, उस मुख्तलिफ चीज़ें दी हैं, प्लेटलेट देखे जाते हैं, जो कि वो कम तो नहीं हो रहे, ठीक है, तो अगर हो रहे हैं तो उसको एडजस्ट किया जाए, दवा को कोई दवा मुसलसल नहीं खा सकते, ये मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 6-7 साल तो मुझे ही हुआ कराची में प्रैक्टिस करता है, मैं सारे पेशेंट को यही बोलता हूँ कि भाई कोई दवा मुसलसल नहीं ली जा सकती है, उसको रोकना होता है, उसके टाइमिंग्स होते हैं, फिर टेस्ट कराने होते हैं कि भाई आपके फॉर एग्जांपल बहुत सारी शुगर की दवाएं जो गुर्दों पे इफेक्ट करती हैं, अब ये लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल रखें मीडियम डोज तक तो ठीक है, बट अगर लार्ज डोज पर जाना पड़ रहा है उससे बेहतर है फिर आप इंसुलिन पर जाएँ, इंसुलिन आपके ब्लड में रहती है, ब्लड से खत्म हो जाती है, मगर ज़्यादातर पेशेंट्स को मैं इंसुलिन से उतार देता हूँ, बिल्कुल ठीक है, मगर मीडियम डोज तक ये सही ट्रीटमेंट अगर है, सही डायरेक्शन है, तो आप इंसुलिन से वापस आ सकते हैं, ये भी गलत है कि जो एक दफा इंसुलिन पे चले गए नहीं आ सकते, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एक और कॉलर उनको शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहां से, अस्सलाम वालेकुम, टीवी की आवाज बंद कर दें, लास्ट कॉलर, जी कौन बात करें, कहां से, टीवी से बात करेंगे तो बात नहीं हो सकेगी, अगर आपने प्रोग्राम में कॉल करनी है, क्योंकि अब तो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो होना ये चाहिए कि जब भी आप टीवी प्रोग्राम में बात करें, इससे या किसी भी प्रोग्राम में बात करें, आप फ़ोन के ज़रिए बात करने की कोशिश करें, फ़ोन पे ही आवाज़ सुने हमारी और फ़ोन के ऊपर ही आप अपना सवाल कीजिए, अगर आप फ़ोन पे हमारी आवाज़ सुन के टीवी से अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे इसमें ताखीर होती है, तो इस तरह आपसे बात नहीं हो पाएगी। बहरहाल जी बड़ी माजरत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपकी कॉल को ज़रूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये आखिरी कॉल थी, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो नेक्स्ट थर्सडे को फिर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और आपके जितने भी सवालात हैं उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू हो सकेगी। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमान खान साहब फॉर जॉइनिंग अस, और आपने कीमती वक्त दिया, और जी जिस तरह से हमारी गुफ्तगू रही आपके सामने है, जी डायबिटीज़ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, और बहुत सारे हमारे आज कॉलर्स ने कॉल भी की पूरे पाकिस्तान से, तो जी
डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि अब प्रोग्राम के बाद भी रابطہ करना तो डायरेक्ट स्क्रीन पर नंबर थे तो आप डॉक्टर सलमान से डायरेक्ट भी رابطہ कर सकते हैं जो खास तौर पे शहर से बाहर के लोग हैं वो तो इसी के साथ ये प्रोग्राम तक इंतजाम पहुंचते जाते थे आज के वार्डरोब करते थे आज के वार्डरोब स्पॉन्सर किया वन वे डॉट पी के ने थैंक यू सो वेरी मच वन वे डॉट पी के फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल डे इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम कल इंशाल्लाह आपसे नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहम्मद यासर दस एफी और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत पाकिस्तान जिंदाबाद